अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 14 वर्ष पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे, शहीद अशोक कामटे, शहीद विजय सालस्कर सहित कुल 18 सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन्हीं वीर शहीद सिपाहियों को याद करते हुए कल एक शोक सभा में मौलाना अली असगर हैदरी ने अपने भाषण में हमारे देशवासियों को क्या संदेश दिया है, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हाफिज सईद, देशभक्त कर्मी। ना क्यों जरूरी था? इसलिए कि अक्सर हमारी टोपियों और दाढ़ियों को उससे जोड़ के देखा जाता है। हम ये बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि अगर हजारों की तादाद से महाराष्ट्र पुलिस के 18 जवान जाके अपने जामे शहादत नोच करके मुल्क को बचाते हैं तो मुमरा बहुत बड़ा है, लेकिन इस शामियाने के नीचे आने वाले उस 18 पुलिस जवानों की तरह हैं जो आके ये बता रहे हैं कि दुनिया आए ना आए मगर देश की हिफाजत के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। आज मुमरा से इस पैगाम का जाना पूरी दुनिया के लिए और खासतौर पर भारत के लिए जरूरी था। मैं आज महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और अभी स्क्वाड के आपने वक्ता से भी सुना कि जिन्होंने उस ड्यूटी पर रहते हुए किस तरह से पमों को नाकारा बना करके पाकिस्तान की सियासत को भी नाकारा बनाया और आतंकवादियों के इरादों को भी नाकारा बनाया। ये आज कुछ बातें कहना इसलिए आप तक जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि मुमरा की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी मेजोरिटी हम मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की होती और आज इस सरजमीन से ये पैगाम 26/11 का जाने के बाद पाकिस्तान ये कान खोल करके सुन ले कि दाढ़ियों टोपियों की बुनियाद पर कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, अदालत और अदल की बुनियाद पर दुनिया साथ जाएगी। इसलिए कि हमने दाढ़ी और टोपी पाकिस्तान को बताने के लिए नहीं रखी है बल्कि हमने अपने मुसलमान होने के लिए रखी है और मुसलमान होने से पहले हमने ये ऐलान किया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारे सरकार मदीना ने फरमाया कि तुम जहां भी जिंदगी गुजारते हो, जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस शहर में, जिस जगह भी रहते हो, तुम्हारे दो तरह के भाई हैं, एक कलमा पढ़ने की बुनियाद पर और एक धरती की बुनियाद पर। ये तुम्हारे दो भाई हैं, कलमा पढ़ने वालों की बुनियाद पर कलमा पढ़ने वाले तुम्हारे भाई हैं, लेकिन धरती पर जिस जगह तुम जिंदगी गुजारते हो उस धरती के नाते भी तुम्हारे भाई हैं। यानी एक माँ तुम्हें जन्म देने वाली है और एक माँ तुम्हें अपनी धरती पर अपना सीना चीर कर चलाने वाली है, तुम्हारे लिए अनाज उगाने वाली है, तुम्हें पालने वाली है। हमारे एक शायर गुजरे हैं रजा सिरसवी, वो कहते हैं कि अपने सीने पर उठाए है हयाते कायनात, ये जमीन इस वास्ते है दोस्त कहलाती है माँ। तो ये जमीन भी इसीलिए माँ है और माँ जन्म देने वाली भी होती है और अन्न देने वाली और पालने वाली भी होती है। लिहाजा हमारे दो भाई हैं और भाइयों में किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो जाहिर है कि दूसरे अजों को भी तकलीफ होगी। मैं बड़ी तेजी से सामने की बातें करता हुआ आ रहा हूं। दो तरह के भाई हैं, एक ये मैंने कहा, दूसरे सरकार मदीना ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ईमान है, ईमान सिर है, ईमान का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द ईमान है, ये वतन की मोहब्बत है। जिस जगह भी रहो वतन की मोहब्बत तुम पर फर्ज है और वतन की मोहब्बत के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट देने का दावा करते हैं
वो पहले ये बताएं कि वो कितनी मोहब्बत इस भारत माता की धरती से करते हैं। भारत माता का सौदा करके इख्तदार में बैठने और है, और भारत माता के लिए अपनी जानों को हेमंत करकरे की तरह, अशोक कांते की तरह, विजय सालस्कर की तरह, जो इंडियन पुलिस सर्विस के ऐसे जाबाज मुजाहिद थे कि जिन्होंने अपने बच्चों की यतीमी को नहीं देखा बल्कि देश की जो मर्यादा को देखते हुए बच्चों को तो यतीम होना गवारा कर लिया, मगर देश के अंदर किसी आतंकवाद को बर्दाश्त करना उन्होंने गवारा नहीं। ये है उन शहीदों की कुर्बानी जिन्हें याद रखी जाएगी। और अब कुछ लोग ये भी हो सकता है कि बल्कि कह डाले कि साहब आप इन्हें क्यों शहीद कहते हैं, तो मैंने पहली हदीस पहले बता दी है कि चाहे वो हम अपने धर्म की बुनियाद पर ईमान वाले हो और चाहे वतन से मोहब्बत की बुनियाद पर ईमान वाले हो, ईमान का तकाजा दोनों जगह है। और वो भी शहीद है जो अपने धर्मों पे कुर्बान हो जाए, और वो भी शहीद है जो अपने वतन पे कुर्बान हो जाए। इसलिए आज शहीदों की याद मनाने इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं, उन्हें मैं चंद बातें बहुत जरूरी तौर पर बता देना चाहता हूं कि हमारा भारत जो संवैधानिक तौर पर जो एक दस्तूर लेके चल रहा है, और ऐसा दस्तूर कि जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सरबराही में लिखा गया, कि जिसके लिए मौलाना आजाद ने भी दस्तखत किया, नेहरू जी ने भी दस्तखत किया, और सबने दस्तखत दे करके इस मुल्क का ऐसा कानून बनाया कि 10 आतंकवादियों में हमारे देश के पुलिस नौजवानों ने 9 को जगह पे ढेर किया, मगर 1 को जिंदा रखा, और जिंदा रख करके उस पर अदालती कार्रवाई की, जुडिशियली कार्रवाई की, और कार्रवाई करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर भारत चाहता तो उसी केक में आप इंडिया पर पत्थरों के बरसात से पश्चात का जिंदगी का खात्मा कर देता, मगर हम अपने मुल्क की अदालत को पूरी दुनिया के सामने बताना चाहते थे कि हमारा मुल्क सिर्फ शुजात नहीं रखता बल्कि एक ऐसी अदालत रखता है जो कातिल पर भी मुकदमा चलाकर उसके गुनाह को साबित करता है। ये किया है हमारे भारत ने, और ये किया है हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने, हमारे भारत के संविधान को पूरी दुनिया के सामने। आज ताहूर राणा जो सबसे बड़ा आतंकवादियों का सरगना रहा, ये तीन फोटो दिखाई दे रहे, एक अब्दुल रहमान लखवी का है, एक ताहूर राणा का है, एक हाफिज सईद का है। ये कैसे हाफिज हैं? इन्होंने कौन सा कुरान पढ़ा है? भेजे में कुरान रखकर आतंकवाद की बातें करने वाले इबलीस की औलाद तो हो सकते हैं, खुदा के बंदे नहीं हो सकते। मैं ऐसे इबलीस की औलादों से बड़े कड़क अंदाज में ये कहना चाहता हूं कि कुरान जिंदगी देने के लिए है, जिंदगी लेने के लिए नहीं। कुरान हयात का कानून है, कुरान जिंदगी का कानून है, और उसी कुरान का नाम लेकर के अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं, तुम नए नहीं हो, यह वतन बचाने वाले हो, इनका नाम हमेशा जिंदा है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि हमने कसाब को बिरयानियां भी खिलाई, कसाब को कबाब भी मांगा हो तो खिलाया गया है। इसी अर्थर रोड जेल में स्पेशल सेल बना करके वो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, किसी ने पढ़कर हेमंत करकरे जी की विधवा ने ये पढ़कर के नहीं कहा कि उसे बिरयानी न दो, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सबको देश के कानून पर एतमाद है कि आखिरी इच्छा लेके जीने वाले की आखिरी तमन्ना को पूरा किया जाता है। हम आखिरी तमन्ना को भी पूरा करते हैं तुम जैसे कातिलों के लिए, और तुम हो कि असलहा लेकर के बंबई में उतर जाते हो, तुम हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ते, तुम रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ते, तुम ताज होटल नहीं छोड़ते, तुम कुछ नहीं छोड़ते, और हम हैं कि तुम्हारे कसाब को कबाब खिला रहे। क्यों खिलाया? क्योंकि हमने अपने कानून पर यकीन रखा, और आज भी हम भारत में इसी कानून के तहत जी रहे हैं। हमें किसी के हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए भारत का कानून काफी है, जो हिंदू मुस्लिम है कि कभी आप अकेले नहीं है, लेकिन आप हमें शक की निगाहों से न देखिएगा, इसलिए कि ये आतंकवाद इनका कोई मजहब नहीं होता,
हम अपना मजहब जाहिर करते हैं, हम अपना मजहब बताते हैं। अजान होने लगी है, मैं बातें और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अब मुझे अजान के साथ, क्योंकि भारत का संविधान हो या इस्लाम का कानून हो, दोनों हमें साथ लेके चलना है। भारत का संविधान हमें बिठाए हुए है तो अल्लाह अकबर की सदा हमें खड़ा कर देती है, और इसीलिए हम हर बातिल के मुकाबले में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके खड़े होते हैं, ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह अकबर की सदा आतंकवादियों का अल्लाह अकबर कहते गला काटने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर की सदा सोए हुए को जगाने के लिए है, मृतों को जिंदगी देने के लिए। इसी के साथ मैं एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को सलामी देते हुए शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के हमेशा के लिए पूरी दुनिया को यह पैगाम देता हूँ कि अब दुनिया का काम है कि वो। शुक्रिया, मुझे आपके साथ संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं उस वक्त मुंबई शहर में बम विरोधी दस्ते का सेकंड इंचार्ज था, टेक्निकली सेकंड इंचार्ज था। मैं ताज होटल पहुंचा हुआ तो जाते वक्त टेररिस्ट ने बम फेंका था और आगे अंदर गए तो किसी ने हमारे दस्ते को खबर दी कोई चीज फेंक कर गए हो, जाने वाले अंदर गए जो टेररिस्ट, तो स्निफर डॉग होता है, डॉग ने चेक किया, डॉग ने सिग्नल दिया कि एक्सप्लोजिव है इसके अंदर, तो रिमोटली जो हमारी प्रोसीजर होती है SOP बोलते हैं जिसको, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बोलते हैं, उसके मुताबिक जैसे हमने उस बम को बाहर निकाल कर, दूसरा रास्ता नहीं था, गेटवे ऑफ इंडिया और वहाँ शिवाजी महाराज का स्टेचू उसके दरमियान वहाँ बम को रखा, ये दूसरी एक्शन हमारी हुई। तीसरी एक्शन ऐसी हुई कि हमारे दस्ते का एक सब इंस्पेक्टर, उसने बम सूट पहनकर उसका एक्सरे निकाला तो उस वक्त पता चला कि ये बम है, तो हमारे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने सोचा अभी हालात इतने खराब हुए, दाते साहब को गोली लगी, करकरे साहब को गोली लगी, अभी टाइम गंवाना मुश्किल है, क्योंकि ये PTT स्विच है, प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस जिसको बोलते हैं, वो स्विच है। तो उसने मेरे सामने वो काट डाला, डिटोनेटर काट डाला, और मुझे बोले वो कि अभी आगे क्या करना है आपको मालूम है प्रोसीजर। वो लाइव बम को मैं बम ब्लैंकेट में डालकर जीप में बिठाकर गिरगांव चौपाटी लेके गया, उस वक्त रात के 1:40 सुबह के 1:40 बजे थे, और वहाँ मुझे पता चला कि कसाब नाम के एक अतिरिक्त को पकड़ा है, एक को मारा गया, फिर 1.5 घंटा मैं और एक कांस्टेबल बचकर वो बम को पूरा डिफ्यूज किया, डिफ्यूज मतलब निर्दोष धोखा आउट ऑफ धोखा जिसको बोलते हो किया। 1.5 घंटा हो जाने के बाद सब किया, बॉल बेरिंग थे बाजू में निकाले, कॉर्डेक्स वायर थी, डिटोनेटर थे, RDX था बाजू में, मफतलाल की वहाँ एक इमारत है, उस इमारत में जाकर हमने वो एक्सप्लोजिव कितना है काउंट किया तो 6 किलो था, वो 6 किलो था। और दूसरे दिन 10-11-12 बजे पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने वो सब चीज़ें कुलाबा पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर की। तो ये मेरा तजुर्बा था, इसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, बाकी तो मैं 8 दिन वही था। फिर बाद में दूसरे दिन सुबह हम अभी नॉलेज हुआ तो गोकुल चाट से भी उन्होंने जाकर स्विमिंग टैंक है ना, वहाँ भी बॉम्ब रख के गए थे, वो भी हमने उसी जगह डिफ्यूज किया। और बाद में 8 दिन के बाद रनिंग पंचनामा जो VT में चल रहा था ना, जो लोग अपनी लगेज छोड़कर गए थे ना डर के मारे, तो उनका पंचनामा चलते वक्त एक तीसरा बम मिला 8 दिनों के बाद, वो भी हमने डिफ्यूज किया। यही मेरा काम किया उस वक्त, मेरी ड्यूटी मैंने निभाई, शॉर्ट टर्म की वजह से थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच।